रात में मनाया नवाई त्योहार। सुबह बाइक सवार युवाओं को अज्ञात ट्रक ने रौंदा, एक की मौत, एक गंभीर घायल। परिवार में छाया मातम। जब थाना क्षेत्र के तलवाडा बुजुर्ग में राजपुर बडवानी मार्ग बैंक चौराहे के सामने ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे को गंभीर हालत में डायल 100 द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे की जानकारी मिलते ही घर में मातम छा गया। मिली जानकारी अनुसार बालकुआ अपने के यहां से रात में नवाई का त्योहार मनाकर युवक करण पिता अमर सिंह भिलाला उम्र 19 साल निवासी बालकुआ और सुरेश पिता रमेश जमरे उम्र 17 साल निवासी पाटी दोनों दोस्त वापस अपने काम पर लौट रहे थे। सुबह तड़के 6 बजे तलवाडा बुजुर्ग में सामने से तेज गति से आ रहे अनियंत्रित तेज गति की ट्रक ने दोनों को टक्कर मार रौंदते हुए मौके से निकल भागा। हादसे में करण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं सुरेश भी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे डायल 100 वाहन से जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। मृतक करण अजट के होटल में काम कर रहा था। दुर्घटना की जानकारी होते ही परिजनों में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची अजट पुलिस ने शव को नपा अजट के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उधर हादसे की जानकारी होने के बाद परिजन घंटों रोते बिलखते रहे। मृतक के नाना ने जानकारी देते हुए बताया कि करण तलवाडा डेब के पास चुना पानी का रहने वाला था। उसके पिता अमर सिंह की मौत के बाद माँ और बेटा उनके पास बालकुंडा आकर रहने लगे थे। करण छोटा मोटा काम करता था। फिलहाल वो अजट के होटल में नौकरी कर रहा था। दोपहर उपरांत एएसआई कमलेश सावनेर द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शासन से हमें पैसे प्राप्त हो गए हैं, और जिन हितग्राहियों के 50,000 की किस्त, अंतिम किस्त बची हुई थी, उनके खाते में हमने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जिन हितग्राहियों की सेकंड किस्त 1,00,000 रुपये बची थी, उनके खाते में भी हमने 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे। सरकार से पैसे आते ही हमने दूसरे दिन ही पैसे हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और शीघ्र ही हमारे हितग्राहियों के मकान कंप्लीट हो जाएंगे और वो अपने मकान में रहने चले जाएंगे। बहुत से लोग किराए से मकान लेके रह रहे थे, बहुत से लोग झोपड़ियाँ बना के रह रहे थे, वो सब हितग्राही अपने अपने मकानों में जाएंगे, खुशी से रहेंगे। शासन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पैसे नगरपालिका परिषद में डाल दिए हैं। बड़वानी नगर के समीप बावन गजा रोड पर जय माँ चामुंडा मंदिर में हुई चोरी। चोरों ने बोला मंदिर में धावा। मंदिर के मुख्य गेट का नकुचा तोड़कर चोरों के द्वारा मंदिर की दान पेटी, माता का हार पायल एवं ऊपर रखा गुंबज, माता के सर के ऊपर लगा गुंबज चोर चुरा के भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच की प्रारंभ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी भाई माली। माली जी, क्या हो गया मंदिर में? क्या हो गया मंदिर में? ये दरवाजा तोड़ के चोरी हो गई। क्या क्या चोरी ले गए? चोरी में हो गई, एक तो दान पेटी ले गए, और दान पेटी के साथ में एक माता जी का बड़ा थोड़ा सारा गुम्बज था चांदी का, वो ले गए, और माता जी का हार था जो मंगलसूत्र जैसा हार था, तो वो ले गए, और चांदी के माता जी के जो भोग लगा थे वो चांदी के बर्तन थे वो ले गए क्या। और अभी 3 महीने पहले भी एक दान पेटी दिन में उठा के ले गए थे। अनुमानित कितनी चोरी होगी लगभग? अनुमानित तो अब क्या है कि चांदी का जो गुम्बद था उसकी कोई अनुमानित दानदाता ने दिया था, उसका कोई अनुमानित या उसकी कीमत भी नहीं थी कि कितने का था। थोड़ा बड़ा साइज था उसका, करीब करीब 6 इंची साइज था करीब करीब गुम्बद का क्या। तब उसकी कीमत तो अब दान पेटी में कुछ पैसे थे, कम से कम दान पेटी में 15,000-20,000 रुपये तो होंगे ही होंगे क्या। दूसरे चांदी के बर्तन थे माता जी के, मतलब बर्तन लोटा गिलास मतलब चांदी के थे, भोग लगाने के थे सब। ये क्या अगर रात्रि में जो चोरी का अंजाम दिया, रात्रि की? रात्रि को हुई ये 12 बजे के बाद में, 11-12 बजे तक तो लोग यहाँ चहल पहल रहती थे। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।